हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो आज हम UPSSC की कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं UPSSC वीडियो री एग्जाम को लेकर। तो बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, रिवाइज आंसर की जारी हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूँ, जितने भी वीडियो वाले अभ्यर्थी हैं तो नवंबर लास्ट तक पूरी उम्मीद रखें, आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जहाँ तक मैं कट ऑफ के बारे में भी बता दूँ, अगर जिनके जनरल कैटेगरी में 205 से लेकर 208 के बीच में नंबर भर रहे हैं तो वही अभ्यर्थी उम्मीद रखें। वहीं OBC की बात करते हैं, लगभग 208 से लेकर 204। गर्ल्स की बात करते हैं 197 से 200। SC की बात करते हैं 180 से 183। ST की बात करते हैं लगभग 160 नंबर हैं। तो ये अभ्यर्थी पूरी तरीका सेफ है और इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और DB की बारे में बात करें तो लगभग 3000 अभ्यर्थी को DB में बुलाया जाएगा। और DB ज्यादा से ज्यादा आपकी 15 दिन ही चलने वाली है, इतने में आपकी DB कंप्लीट कर ली जाएगी और बहुत ही जल्द ये भर्ती कंप्लीट होती हुई दिखेगी। मुझे पूरी उम्मीद है, जहाँ तक चीज़ें पता चल रही हैं, कि चुनाव से पहले इस भर्ती को कहीं की कंप्लीट करने का पूरी तरीका से कंप्लीट कर ली जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यानी कनिष्ठ सहायक जो 5512 के बारे में, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है और भी हम रिजल्ट पर बात करेंगे। तो जितने भी कनिष्ठ सहायक के अभ्यर्थी हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके अगर पेट में लगभग 55+ नंबर भर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहो, आपका सिलेबस वगैरह जारी हो चुका है, साथ साथ में टाइपिंग भी करते रहो। क्योंकि फिर आपको बता दूं, इसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भी नहीं डाले उस प्रकार से, तो इसकी कट ऑफ भी कम रहने वाली है। और हम शॉर्ट लिस्ट की बात करते हैं तो इसकी नवंबर या दिसंबर में जारी कर दी जाएगी। और परीक्षा की बात करते हैं तो लगभग 10 फरवरी के बाद इसकी कभी भी परीक्षा कराई जा सकती है, ठीक है। और इसमें 2 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले मेंस परीक्षा में। तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी और ये आपके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि टाइपिंग की वजह से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाल भी दिया होगा मगर वो तैयारी वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो साथ साथ में आपको टाइपिंग वगैरह की भी तैयारी करनी है। अब हम बात करने वाले हैं ASO के परिणाम कोड लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी ASO वाले परेशान हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहां तक पूरी उम्मीद है कि जो अक्टूबर महीने में, मतलब इसी महीने में पूरी तरीके से उम्मीद है। अगर इसी महीने में नहीं आ पाता तो 10 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा, आपके लिए कहीं की खुशखबरी की बात होगी। तो आप लोगों को अब ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यहां तक हम बात करने वाले कमांड टेक्निकल परिणाम को लेकर, तो इसका जो परिणाम है वो ASO के बाद ही आने वाला है, तो लगभग आप नवंबर में ही चांस रखो कि कमन टेक्निक का परिणाम देखने को मिले। अब हम बात करने वाले बंदरगाह की रनिंग को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं इसकी रनिंग कब तक होगी, तो इसकी जो रनिंग है नवंबर या दिसंबर में शेड्यूल की जा रही है, तो ठीक है, इससे अगले महीने में अब देखने को मिलेगा, नवंबर या दिसंबर में इसका शेड्यूल वगैरह जारी हो जाएगा। कनिष्ठ सहायक के बारे में बता चुका हूँ। अब हम बात करने वाले UPSSC BPO के 1468 पद के बारे में। तो जितने भी अभ्यर्थी BPO वाले अभ्यर्थी हैं तो सभी लोग अपनी तैयारी करते रहो, सॉलिसिटिंग वगैरह जारी हो चुकी है, सिलेबस आपको पता है। जो भी बच्चा पंचायती राज पर ज़्यादा फोकस रखेगा कहीं ना कहीं उसे फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि 65 नंबर तो वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। और इसलिए मैं बता दूं, और आप जो आपका पेपर है लगभग जनवरी मानकर पढ़ाई करते रहो, क्योंकि जनवरी से पहले कोई चांस नहीं लग रहा है। UPSSC की और भी भर्तियां हैं, शॉर्ट टेस्टिंग वगैरह होनी है, तो जनवरी मानकर आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, जनवरी में आपका पेपर करा लिया जाएगा। अब हम बात करने वाले JEE 2018 का परिणाम को लेकर। तो जो भी अभ्यर्थी परेशान है तो मैं आपको बता दूं, इस साल के अंत में मतलब दिसंबर में ही उम्मीद रखो, इससे पहले आपका रिजल्ट नहीं जारी हो पाएगा। अब हम बात करने वाले फर्स्ट कार्ड को मेडिकल को लेकर। जो जितने भी अभ्यर्थी, देखो आपको बता दूं, पैट से पहले आपका नोटिस वगैरह देखने को मिल सकता है, मतलब इसी महीने में, और नवंबर में पूरे चांस हैं 20 नवंबर के आसपास उससे पहले आपका मेडिकल कंप्लीट करा लिया जाएगा, जो भी चीज़ें पता चल रही हैं। अब हम बात करने वाले हैं AGTA के विज्ञापन को लेकर। देखो पूरी उम्मीद है पैट 2022 से विज्ञापन आएगा, और जितनी अभ्यर्थी जो सिलेबस वगैरह को लेकर परेशान है, तो लगभग मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने BPO की भर्ती में देखा होगा, लगभग 65% मतलब 65 नंबर का एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से तैयारी कर सकते हो, 15 कंप्यूटर और 20 UPG के, क्योंकि ये 35 नंबर तो प्रत्येक भर्ती में अब देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। UPSSC अपना सिलेबस चेंज कर रहा है, 15 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर UPG के, तो आप लोग तैयारी करते रहो, आपका विज्ञापन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, वो भी पैट 2022 से, ठीक है। तो इतनी अपडेट थी, और कुछ भी आपके डाउट वगैरह रह गए हो तो कमेंट जरूर करना, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो वीडियो को भी मिलते हैं, धन्यवाद।